छुट्टी मारोगे तो ब्रह्मपुत्र जा पाओगे। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं दुर्गेश्वरी मंदिर घूमने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, दुर्गेश्वरी मंदिर में बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये हमारे साथ बहन आया है, वो आगे हमारा भाभी भैया जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है गाइस। तो अभी चलते हैं। गाइस हम लोग अभी दुर्गेश्वरी मंदिर पे पहुंच चुके हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। कुछ लेने वाला हूँ अभी। तो गाइस हम लोग इधर से आए थे, इस रास्ते से हम लोग आए, और आप लोग आना चाहते तो गुवाहाटी पांडव ब्रिज से आना चाहते तो इधर से आना पड़ेगा आप लोगों को। तो दुर्गेश्वरी मंदिर का मेन गेट है, तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। ये भैया भाभी भाभी ये भैया भाभी है। तो गाइस ऊपर उठ रहे हैं, नीचे का नज़ारा देखिए अच्छा लग रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत कुछ दिखने के मिलेगा। बहुत बड़ा मंदिर है दुर्गेश्वर मंदिर, बहुत बड़ा है। तो लोगों को सारा घूम के दिखाएंगे। देखिए ऊपर का मेन मंदिर ऊपर है, तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। दोनों तरफ रास्ता है ऊपर जाने का। इधर ऊपर उठना उठ सकते हैं। और ये गणेश बाबा की एक पत्थर में बहुत बड़ा मूर्ति है। पूरा का पूरा पत्थर में है गणेश बाबा का। और ये मूर्ति दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। गणपति बाप्पा। दुर्गा माँ के पास जा रहे हैं अभी। एक इधर हनुमान जी की मूर्ति है बजरंगबली का, ये बजरंगबली का। हे बजरंगबली। जैसे कि ये तालाब दिख रहे हो, ये तालाब में उतरोगे तो इधर से आप ब्रह्मपुत्र जा सकते। इस तालाब में उतरोगे
तो नीचे से डायरेक्ट आप लोगों को ब्रह्मपुत्र के पास ले जाएगा। ये देखिए नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा उधर ब्रह्मपुत्र है, इधर से 500 किलोमीटर दूर होगा। तो पानी हर समय जितना दिख रहे हो अभी इतना ही रहते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होते। तो इधर से डुबकी मारोगे तो ब्रह्मपुत्र जा पाओगे। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ के लोग बोलते हैं। तो ऊपर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। और भी एक गेट है जो दिखाया है सामने, अभी अंदर जाते हैं। उसके देखिएगा गाइस, देखिए कितना अच्छा नजारा। अंधेरा है सर्व 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 से सर्व शक्ति संबंधित महिषर्मी महामाय आयुर आरोग्य सर्जन नारायण नमस्कृत जगत जननी महामाय हरपट भागवत प्रहन्न आवास नमस्त भगवती प्रसिद्ध ल সতী দুর্গা মানে কি মানে পার্বতী দুর্গা দেবীর পাওয়া সাপটো আছে বাহির সরু টেম্পলটোর ভিতর আছে। ইয়াত গণেশ, ইয়া দেবী দুর্গা, ইয়া পীঠস্থান কালী, এয়া হল কালী মূর্তি, এয়া হল শিবলিং, এইটো আছিল মার্কণ্ড মুনির আশ্রম। গতিকে মার্কণ্ড ইয়াত সাধনা করে দেবী দুর্গা সিদ্ধি লাভ করেছিল। দেবী দুর্গার সিম্বল হল টাইগার, সেই কারণে এটা নাম দেবীর এই মন্দিরর আছে। নাম মাতে বাঘেশ্বরী দেবালয় বলেও জানে বহুতে। আর এইবিলাক গোটেই চৌ দিকে তারমানে তেও হে বাহন বাঘে তারমানে পরিক্রমা করে থাকে, এতিয়াও পরিক্রমা করে থাকে, এতিয়াও আছে, এতিয়াও আছে। ঢেকিয়াবতিয়া বাঘ এতিয়াও আছে, এতিয়াও আহে। কিন্তু আগতে ইয়াত মোর দেউতা ককার দিনত ইয়াত প্রবেশ করেছিল, আর প্রবেশ করার চিলিবিলাক সেই বাঘর এই নখর প্রিন্ট আছে। আর এতিয়া আর মানে কিছু অসুবিধার কারণে গ্রিল লগাবলগা হলো, আর সেই কারণে ইয়াত এটা প্রবেশ করব ভিতর নয়, কিন্তু বাইর সবদিকে প্রবেশ করে থাকে। আর ইয়াত নৈমিত্তিক ভোগ হয়, নৈমিত্তিক পূজা হয়, বার্ষিক পূজা হয় গোটেইবিলাক। কি কি মাহত হয় ইয়াত পূজা? এইটো গণেশ পূজা হয় গণেশ চতুর্থীত, নাগপঞ্চমী মনসা হয় এই শাওনর হয়ে গেল। হ্যাঁ,
তারপর দুর্গা পূজার টাইমত দুর্গা পূজা, কালী পূজার টাইমত কালী পূজা, শিবরাত্রির টাইমত শিবরাত্রি পূজা, এই ধরনের সব পূজাই হয় আমার। ঠিক আছে ঠিক আছে। बोला था हिंदी में बोलने के लिए तो पुरुष जी ने बोला हम हिंदी में नहीं बोल सकते, तो पुरुष जी ने आसामीस में बोला, तो आप लोग जैसे जो समझते हो सो समझ गए। तो अभी बाहर का नज़र आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए। यहाँ शेर भी निकलता है जैसे पुरोहित जी ने बोला। पुरोहित जी ने ऐसे ही बोल रहा था कि इधर दुर्गा पूजा, वो गणेश पूजा और बजरंग बली की पूजा, हर कोई पूजा होता है इधर, तो ऐसे बोल रहा था। तो जो असमी जानते हो तो समझ चुके। तो ये देखिए ऊपर से मंदिर का ऊपर से इस तरह का नज़ारा है। देखिए नीचे है, तो गाइस जैसे कि देख आप लोगों ने, तो अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज में देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर उधर भी कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है अभी चलते हैं। तो गाइस ऊपर का नज़ारा तो आप लोगों को दिखा दिया, मंदिर का अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखा दिया, तो अभी घर चलते हैं। हम लोग सारा का सारा इधर बैठे हुए हैं। अभी भैया है, भाभी है, बहन है, दोनों, तो अभी घर चलते हैं। भैया कुछ बोलो। भैया नहीं बोलेगा। भाभी तो कुछ बोलो। भाभी भी तुम बोलो कुछ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कैसा लगा ये मंदिर, और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, और आप यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, हमको बता देना, हम लोकेशन भेज देंगे आप लोगों को। और क्या बोले, आज के लिए बाय 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 बाय। अभी चलते हैं घर।